वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार में जो चलंत दस्ता सिपाही की भर्ती परीक्षा होने वाली है, जो डायरेक्ट भर्ती चल रही है, उसका जो एडमिट कार्ड का डेट है वो आ गया है। दोस्तों, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, दोस्तों ये सब बताने वाले हैं। दोस्तों, परीक्षा यह सिर्फ एक पाली में होने वाली, यानी कि एक दिन होने वाली है, तो कब होने वाली ये सब जानकारी और शारीरिक दक्षता में क्या होगा ये दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसने ये फॉर्म भरा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बिहार में जो चलंत दस्ता सिपाही की जो भर्ती परीक्षा है उसका प्रवेश पत्र कल यानी कि 18 जनवरी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि 18 जनवरी से चलंत धरता जो दस्ता सिपाही जो है वो 18 यानी कि शनिवार से वेबसाइट पर ऑनलाइन आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परिवहन विभाग चलंत दस्ता सिपाही के 496 पदों पर, जो 496 पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 496 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 2 फरवरी को, दोस्तों परीक्षाएं जो होंगी वो 2 फरवरी को होंगी, 2 फरवरी को एकल पाली में लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। 2 फरवरी को एकल पाली में दोस्तों परीक्षाएं होंगी। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट www.cbcsbc.bih.nic.in पर शनिवार को अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रवेश पत्र है वह कल अपलोड कर दिए जाएंगे। वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में, दोस्तों जिसका प्रवेश पत्र वेबसाइट पर नहीं दिखाता है, तो इस स्थिति में 28 व 29 जनवरी को बैंक होल्डिंग रोड स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। दोस्तों, जिसका प्रवेश पत्र वेबसाइट पर शो नहीं करेगा उसका 28 और 29 जनवरी को बैंक होल्डिंग रोड स्थित कार्यालय जो है वहाँ से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का साथ में आवेदन पत्र की छायाप्रति, वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फोटोकॉपी लाना होगा और एक फ़ोटो वाली पहचान पत्र लानी होगी, या तो पैन कार्ड, पासपोर्ट हो जाएगा आपका, या तो ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, ऐसा कुछ जिसमें फ़ोटो भी बना हो। प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं होने या अस्पष्ट होने पर अभ्यर्थियों को केंद्र पर 2 फोटो साथ में लाना होगा। अनुक्रमांकवार परीक्षा केंद्र की सूची 20 जनवरी से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। दोस्तों, जो कल है, कल से जो प्रवेश पत्र आ जाएंगे, लेकिन 20 तारीख से जो अनुक्रमांक के साथ ही जो परीक्षा केंद्र की सूची है वो अपलोड कर दी जाएगी। परिषद के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि परीक्षा एकल पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। दोस्तों, जो परीक्षाएँ हैं वो 2 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को केंद्र पर सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना जरूरी है। दोस्तों, आपको 9 बजे पहुंच जाना है, परीक्षाएं 10 से 12 के बीच में होंगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि किस कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो एक एक अंक के दोस्तों 100 प्रश्न होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक एक अंक के 100 प्रश्न को आपको जवाब देना होगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में एक एक अंक के 100 प्रश्न का जवाब देना होगा। सही प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे, गलत जवाब के लिए अंक काटे नहीं जाएंगे। परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे जो इंटर स्तर के होंगे। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30 अंक दोस्तों आपको लाने होंगे। 30 अंक अगर आप लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे और शारीरिक यानी फिटनेस टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। शारीरिक जांच परीक्षा में रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों, अगर 496 दोस्तों ये पोस्ट हैं तो शारीरिक दक्षता के लिए यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए कम से कम 2500 लोगों को, यानी 5 गुना लोगों को, तो लगभग 2500 लोगों को सेकेंड राउंड में बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगी, जो फिजिकल टेस्ट होगा इसमें क्या क्या होगी। तो 3 स्तरों पर होनी है शारीरिक दक्षता की जांच। परिषद के अनुसार कुल रिक्तियों के 5 गुना, यानी ये कुल रिक्तियां 496 हैं, तो 5 गुना मतलब लगभग 2500 दक्षता जांच में शामिल होंगे। यह 100 अंकों की परीक्षा होगी। दौड़ के लिए 50 अंक मिलेंगे। गोला फेंक व ऊंची कूद के लिए 25-25 अंक मिलेंगे। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पुरुष को 1 मील की दौड़ 6 मिनट में तथा महिला को 1 किमी की दौड़ 5 मिनट में तय करनी होगी। महिला को 12 पाउंड तथा पुरुषों को 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा। ऊंची कूद में पुरुषों के लिए 4 मीटर और महिला के लिए 3 मीटर निर्धारित किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, जो 100 में से 50 नंबर होंगे दौड़ के लिए, 25 नंबर ऊंची कूद के लिए और 25 नंबर गोला फेंक के लिए होंगे। तो दोस्तों, ये शारीरिक दक्षता ऐसे होंगे। अब आइए हम सारी जानकारियाँ एक नज़र में देख लेते हैं। दोस्तों, जो 30% आपको होगा क्वालिफाई के लिए करना होगा।
परीक्षाएं 2 फरवरी को एकल पाली में, यानी कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 फरवरी को आयोजित की जाएंगी, यानी कि परीक्षाएं 2 फरवरी को होंगी। 28 व 29 तारीख को बैक होर्डिंग रोड स्थित कार्यालय से जिसका प्रवेश पत्र नहीं आता है वेबसाइट पर, वो वहाँ से डुप्लीकेट अपना प्रवेश पत्र ले सकता है। तो दोस्तों आप चलन दस्ता सिपाही की जो परीक्षा होने वाली है कल से, आप यानी कि शनिवार से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।